हेलो फ्रेंड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th का इंडियन बीवर्स भारतीय जुलाहे, जिसके कवि हैं सरोजनी नायडू। समरी इन इंग्लिश, द थ्री स्टेंजाज रेफर टू थ्री सिग्निफिकेंट स्टेजेज इन मैंस लाइफ बर्थ, मैरिज एंड डेथ। द पोएम इज इन डायलॉग फ्रॉम फॉर्म। The poetess puts some questions to the beavers. From their answers, we know that they are weaving the ropes of a newborn baby. The marriage bells of a queen and the funeral shroud of a dead man. The clothes of a newly born child are being woven at dawn. The marriage bells of a queen at dusk and the funeral shroud for a dead man at night. The colors of the garments and the time of the weaving aptly suggest the characteristics of the respective stage. Stanza 1-3, beaver se leke funeral shroud tak, word meaning. Break of day means dawn, usakal. Garments means dress, veshbhusa. Gay means bright colored, chamkile rang. Halcyon means the kingfisher, एक पक्षी जिसके पंख नीले और चमकदार होते हैं. Ropes means dress, veshbhusa. Newborn means newly born, नवजात शिशु. Fall of night means the coming of night. डस्क, गो धूल बेला, संध्या का समय. प्लूम्स मीन्स लॉन्ग फीदर्स, पंख. पर्पल मीन्स रेड एंड ब्लू मिक्स्ड कलर, बैगनी. मैरिज बेल मीन्स पीस ऑफ फाइन फैब्रिक बॉर्न एज टू कवर द फेस ऑफ ए ब्राइड, दुल्हन का घूंघट. सोलेम एंड स्टिल मीन्स सीरियस एंड साइलेंट, ग्रेव एंड क्वाइट, गंभीर और शांत. चिल मीन्स कोल्डनेस, ठंडक. फ्यूनरल श्राउड मीन्स क्लॉथ रैप्ड राउंड ए कॉर्प, कफन. हिंदी अनुवाद, कवित्री जुलाहो को संबोधित करते हुए पूछती है कि हे जुलाहो, तुम सुबह के समय चमकीले वस्त्र क्यों बुन रहे हो? उत्तर में जुलाहे कहते हैं कि हम नवजात शिशु के लिए हेल्सियन पक्षी के पंखों के समान नीले रंग के वस्त्र बुन रहे हैं. कवित्री गोधूल बेला में वस्त्र बुनते हुए जुलाहो से पूछती है कि हे जुलाहो, तुम इस संधि बेला में इतने चमकीले वस्त्र क्यों बुन रहे हो? जुलाहे उत्तर देते हैं कि हम मोर के पंखों के समान बैगनी व हरे रंग के रानी के विवाह के वस्त्र बुन रहे हैं. कवित्री ठंडी चांदनी में जुलाहों को वस्त्र बुनते देखकर उनसे पूछते हैं कि हे जुलाहो, तुम ठंडी चांदनी रात में गंभीर होकर शांत भाव से क्या बुन रहे हो? उत्तर में जुलाहे कहते हैं कि हम पक्षी के पंख तथा बादल के सफ़ेद समान सफ़ेद वस्त्र मृत व्यक्ति के कफन के लिए बुन रहे हैं. स्टेंजा फॉर कॉम्प्रिहेंशन, बीवर्स बीविंग एट ब्रेक ऑफ डे. Why do you weave a garment so gay, blue as the wing of a halcyon? Wild bee weave the ropes of a newborn child. Question: From which poem have the above lines been taken? By whom has this poem been written? उपरोक्त पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं? यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है? नोट: इस कविता के शेष पद्यांशों के लिए यही प्रश्न संख्या एक पर माना जाएगा. इन पद्यांशों के प्रश्न संख्या 2 से शुरू होंगे. सेकंड, व्हेन डू द बीवर्स वीव द गारमेंट ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, व्हाट कलर इज द गारमेंट ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड? जुलाहे एक नवजात शिशु के वस्त्र कब बुन रहे हैं? नवजात शिशु के वस्त्रों का रंग क्या है? थर्ड, विथ व्हाट डज द पोएटेस कंपेयर द कलर ऑफ द क्लॉथ ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड? कवित्री नवजात शिशु के वस्त्रों के रंग की तुलना किसके साथ कर रही है?
फोर्थ, विच वर्ड्स राइम टुगेदर इन द एबव लाइंस, उपरोक्त पंक्तियों में किन शब्दों की लय समान है। आंसर, नेम ऑफ द पोएम इंडियन बीवर्स, नेम ऑफ द पोएटेस सरोजनी नायडू। नोट, यह उत्तर इस कविता के अन्य पद्यांशों के प्रश्न एक का भी उत्तर होगा। सेकेंड आंसर, द बीवर्स वीव द गारमेंट्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड एट ब्रेक ऑफ डे। द कलर ऑफ गारमेंट्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड इज ब्लू। जुलाहे ऊषा काल में नवजात शिशु के वस्त्र बुनते हैं, नवजात शिशु के वस्त्रों का रंग नीला है। थर्ड, द पोएटेस कंपेयर्स द कलर ऑफ द क्लॉथ ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड विद द विंग ऑफ ए वाइल्ड हेलिकॉन। कवित्री नवजात शिशु के कपड़े के रंग की तुलना हेलसियन पक्षी के पंख से करती है। फोर्थ, डे राइम विद गे एंड वाइल्ड राइम विद चाइल्ड। सेकेंड, बीवर्स बीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, वाई डू यू वीव द गारमेंट सो ब्राइट लाइक द प्लम्स ऑफ ए पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन, बी वीव द मैरिज बेल ऑफ ए क्वीन। क्वेश्चन, सेकेंड, वाई इज द मैरिज बेल ऑफ ए क्वीन डिस्क्राइब एज ब्राइट, रानी के विवाह के वस्त्र चमकीले क्यों बताए गए हैं। थर्ड, वाट इज द मैरिज बेल ऑफ ए क्वीन कंपेयर टू, रानी के विवाह के वस्त्रों की तुलना किसके साथ की गई है। विच वर्ड्स राइम टुगेदर इन द एबव स्टेंजा, उपरोक्त पद्यांशों में किन शब्दों की लय समान है। आंसर, सेकेंड, द मैरिज बेल ऑफ ए क्वीन इज डिस्क्राइब्ड एज ब्राइट बिकॉज इट इज यूज्ड ऑन एन ओकेशन ऑफ जॉय, रानी के विवाह के कपड़ों को चमकीले रूप में वर्णित किया गया है क्योंकि वे आनंद के अवसर पर उपयोग किए जाते हैं। सेकेंड, द मैरिज बेल ऑफ ए क्वीन इज कंपेयर्ड टू द प्लम्स ऑफ ए पीकॉक, रानी के विवाह के कपड़ों की तुलना मोर के पंखों से की गई है। थर्ड, नाइट राइम विद ब्राइट एंड ग्रीन राइम विद क्वीन। थर्ड स्टेंजा, बीवर्स बीविंग सोलेम इन स्टिल, व्हाट डू यू बीव इन द मून लाइट चिल, व्हाइट एज ए फीदर एंड व्हाइट एज ए क्लाउड, वी बीव ए डेड मैंस फ्यूनरल श्रॉड। क्वेश्चन सेकंड, डिस्क्राइब द मेंटल स्टेट ऑफ द बीवर्स व्हाइल बीविंग, जुलाहे जिस समय वस्त्र बुन रहे होते हैं उनकी मानसिक दशा का वर्णन करो। थर्ड क्वेश्चन, हाउ हैज द फ्यूनरल श्राउड बीन डिस्क्राइब्ड, व्हाट इज द कलर ऑफ द श्राउड, कफन के कपड़े का वर्णन किस प्रकार किया गया है, कफन के कपड़े का रंग कैसा है। फोर्थ, व्हाट वर्ड्स राइम टुगेदर इन द एबव लाइंस, उपयुक्त पद्यांश में किन शब्दों की लय समान है। आंसर, सेकेंड, बीवर्स व्हाइल बीविंग आर सीरियस एंड साइलेंट, ग्रेव एंड क्वाइट, वस्त्र बुनते समय जुलाहे गंभीर एवं शांत रहते हैं। थर्ड, फ्यूनरल श्राउड हैज बीन डिस्क्राइब्ड व्हाइट एज ए क्लाउड, द कलर ऑफ द श्राउड इज व्हाइट, कफन के कपड़े को बादल के समान सफ़ेद वर्णित किया गया है, कफन के कपड़े का रंग सफ़ेद है। फोर्थ, स्टिल राइम विद चिल एंड क्लाउड राइम विद श्राउड। सेंट्रल आइडिया, द थ्री इम्पोर्टेंट स्टेजेज ऑफ मैंस लाइफ आर हिज बर्थ मैरिज एंड डेथ, द चीयरफुल क्लॉथ फॉर ए न्यूली बॉर्न चाइल्ड आर वूवन एट डॉन, द ब्राइट क्लॉथ फॉर द मैरिज ऑफ ए क्वीन आर वूवन एट डस्क, द वाइट क्लॉथ फॉर द डेड मैंस श्राउड आर वूवन एट नाइट। मनुष्य के जीवन की तीन महत्वपूर्ण अवस्थाएं उनका जन्म, विवाह एवं मृत्यु है। नवजात शिशु के लिए सुंदर वस्त्र ऊषा काल में बुने जाते हैं, रानी के विवाह के चमकीले वस्त्र गोधूल वेला में बुने जाते हैं, मृत मनुष्य के कफन के वस्त्र रात्रि में बुने जाते हैं। टेक्सुअल क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। व्हाट आर द थ्री मेन स्टेजेस इन द लाइफ ऑफ ए मैन, व्यक्ति के जीवन की तीन मुख्य अवस्थाएं क्या हैं। द थ्री मेन स्टेजेस इन द लाइफ ऑफ ए मैन आर बर्थ मैरिज एंड डेथ, मनुष्य के जीवन की तीन मुख्य अवस्थाएं जन्म, विवाह और मृत्यु हैं। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज द कलर ऑफ द रॉफ्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, नवजात शिशु के कपड़े का रंग कैसा है। आंसर, द कलर ऑफ द रॉफ्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड इज ब्लू, नवजात शिशु के कपड़े का रंग नीला है। क्वेश्चन थर्ड, व्हेन डू बीवर्स
वीव द गारमेंट्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, नवजात शिशु के कपड़े जुलाहे कब बुनते हैं? आंसर, द बीवर्स वीव द गारमेंट्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड इन द मॉर्निंग। जुलाहे नवजात शिशु के कपड़े सुबह के समय बुनते हैं। फोर्थ, वाई इज द मैरिज बेल ऑफ ए क्वीन डिस्क्राइब्ड एज ब्राइट, रानी के विवाह के घूंघट को चमकीला क्यों बताया गया है? द मैरिज बेल ऑफ ए क्वीन इज डिस्क्राइब्ड एज ब्राइट बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड फॉर एन ओकेजन ऑफ जॉय एंड गेटी, रानी के विवाह के घूंघट को चमकीला बताया गया क्योंकि वह आनंद और खुशी के अवसर के लिए तैयार किया जाता है। क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाट इज इट कंपेयर्ड टू, इसकी तुलना किसके साथ की गई है? इट इज कंपेयर्ड टू द प्लम्स ऑफ ए पीकॉक, इसकी तुलना मोर के पंखों के साथ की गई है। क्वेश्चन सिक्स, व्हाट इज द कलर ऑफ द श्राउड, व्हाट इज इट कंपेयर्ड टू, कफन के कपड़े का रंग कैसा होता है, इसकी तुलना किससे की गई है? द कलर ऑफ द श्राउड इज वाइट, इट इज कंपेयर्ड टू ए फीदर एंड ए क्लाउड, कफन के कपड़े का रंग सफ़ेद होता है, इसकी तुलना पंख, फीदर और बादल क्लाउड के साथ की गई है। एप्रिसिएशन द पोएम, क्वेश्चन फर्स्ट, हु पुट्स क्वेश्चन एंड हु आंसर देम, कौन प्रश्न करता है और कौन उत्तर देता है? द पोएटेस, द पोएटेस पुट्स क्वेश्चन एंड द बीवर्स देन आंसर देम, कवित्री प्रश्न पूछती है और जुलाहे उनका उत्तर देते हैं। क्वेश्चन सेकंड, हाउ डू द कलर्स ऑफ द गारमेंट्स एंड द टाइम ऑफ देयर बीविंग एप्टली सजेस्ट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेज, वस्त्रों के रंग तथा उनके बुनने का समय संबंधित जीवन की अवस्थाओं की उपयुक्त विशेषता कैसे प्रकट करते हैं? आंसर, ब्लू कलर एंड द डाउन सजेस्ट द इनिशियल लाइफ स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ बर्थ, पर्पल एंड ग्रीन कलर एंड द डस्क सजेस्ट द हैप्पीएस्ट स्टेज ऑफ लाइफ मैरिज, वाइट कलर एंड द चिल मून लेट नाइट सजेस्ट द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ डेथ, नीला रंग तथा ऊषा काल मानव जीवन की प्रारंभिक अवस्था अर्थात जन्म को दर्शाते हैं, बैगनी और हरा रंग तथा गोधूल वेला जीवन की सौभाग्य की अवस्था को विवाह के रूप में प्रकट करते हैं, सफ़ेद रंग तथा कपकपाती ठंडी रात जीवन के अवसान का बोध कराते हैं। क्वेश्चन थर्ड, हाउ मैनी कलर पेंटिंग्स आर देयर इन द पोएम, कविता में कितने रंगों की छटा मुखरत हुई है? आंसर, देयर हैज बीन एक्सप्रेस्ड फोर कलर पेंटिंग इन द पोएम, कविता में चार रंगों की छटा मुखरत हुई है। क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाट फॉर्म द पोएम इज इन, कविता किस रूप में है? द पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग, कविता कथोप कथन के रूप में है। क्वेश्चन सिक्स, पिक आउट द टू वर्ड्स यूज टू डिस्क्राइब द बीवर्स इन द लास्ट स्टैंजा, अंतिम पदांश में जुलाहों के वर्णन के लिए उपयुक्त दो शब्द छांटिए। द टू वर्ड्स आर सोलेम एंड स्टिल, दो शब्द हैं गंभीर और शांत। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।